ओम शांति। आज 8 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। क्यों बाबा ने कहा तुम्हारी लड़ाई खौफनाक है? क्योंकि हमारा द्वंद एक तरफा नहीं है। देखिए, हमारी मानसिक स्थिति से भी द्वंद है, सामाजिक से भी द्वंद है, आर्थिक से भी द्वंद है, पारिवारिक से भी है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी लड़ाई खौफनाक है। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल ही भिन्न है, कैसे और कौन सी? तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमद पर पावन बनना और बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ करते उससे नीचे ही उतरते आते, रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, परंतु पतित तो बनते ही जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जिस समय अधोपतन होता है ना, तो फिर उल्टी चीज़ें भी लोग करना शुरू कर देते हैं, तो ये अधोपतन की निशानी है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बेहद के बाप से वर्षा लेने। जब तक स्थापना हो तब तक भल पुरानी दुनिया में बैठे हैं, परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई तरफ है। विनाश तो होना ही है, आसार ऐसे देखने में आते हैं। ये भी जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। ज़रूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए ये महाभारत लड़ाई लगनी है। बाबा ने कहा, तुम वास्तव अभी वास्तव में तुम किससे लड़ाई नहीं करते हो? तुम तो डबल अहिंसक हो। तुम्हारे पास न काम की न क्रोध की हिंसा है। मुख्य हिंसा काम की कही जाती है। ये तो है ही पतित दुनिया। फिर बाबा ने कहा, अपवित्रता और पवित्रता की बात है, क्रोध के लिए नहीं कहा जाता। जब बाबा ने कहा काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है, क्रोध के लिए नहीं कहा जाता। क्रोध भी दुखी तो करता है, आदि मध्य अंत दुख देना वो काम के लिए बेशक है, लेकिन क्रोध भी तो जलाता है ना, बुद्धि को नष्ट कर देता है। बाप कहते हैं कि दोनों को प्रतिज्ञा करनी है ज्ञान चिता पर बैठने की। वो कामचिता पर बैठाते हैं, बाप वो सौदा कैंसिल कराते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सारा मदार है श्रीमत पर चलने का। श्रीमत कहती है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, आत्मा को ही बनना है। आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अब वो 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती है। ज़रूर बच्चे जानते हैं, देवी देवताओं का राज्य था, राम राज्य स्थापन हुआ, राम नाम रख दिया है। वास्तव में नाम शिव है, शिवाय नमः कहते हैं, रामाय नमः नहीं कहते। शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है। राम को बाबा कोई कहते नहीं, शिव को बाबा कहते हैं। राम यानी परमपिता परमात्मा, न कि रघुपति राघव राजा राम। मनुष्य तो जो सुनते हैं वो बोलते जाते हैं। इसमें भी फर्क कर देते हैं ना, वो लोग श्री राम को पहले मानते हैं, श्री कृष्ण को बाद में मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं। श्री कृष्ण जो है स्वर्ग के प्रथम राजकुमार है। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ। इससे सूक्ष्म कोई चीज़ होती नहीं, अति सूक्ष्म है।
जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता है, देखने में कितना छोटा है, मनुष्य सृष्टि का बीज तो सबसे सूक्ष्म है। सबसे छोटी खसखस होती है, बहुत पतली होती है, उनके झाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो परमपिता परमात्मा तो उनसे भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, लोगों ने परमात्मा के बारे में भी ये कभी नहीं सोचा था कि परमात्मा एक बिंदी है। वो लोग तो परमात्मा को कोई ना कोई मूर्ति के रूप में, शिवलिंग के रूप में याद कर, अब इतना बड़ा तो है सब परमात्मा होता नहीं, अगर हो तो दिखाई भी दे, लेकिन वो बाबा कहते हैं कि बिंदी है। तो ये भी व्यत्यास है जो कि आम लोग नहीं समझ पाते। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, इस रीति तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं। कोटों में कोई ही इस राज को समझते हैं। शिव बाबा जैसी महिमा और कोई भी मनुष्य आत्मा की नहीं हो सकती। कैसे आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, समुख आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ भी जानते नहीं हैं, न मुझे जानते, न चक्र को जानते हैं। अभी तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम्हारे इस पुरानी दुनिया की बातों से ताल्लुक नहीं है। फिर बाबा ने कहा, बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि जैसे बाप की गतमत न्यारी है, वैसे तुम्हारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। तुम्हारा और कोई बात से ताल्लुक नहीं है। तुम सच्चे ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मणों का विस्तार तो कुछ है नहीं। वो ब्राह्मण लोग कहेंगे, हम ब्रह्मा की औलाद हैं। ब्रह्मा तो हुआ प्रजापिता, उनका बाप कौन, वो तो कोई जानते नहीं। वो तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पावन बनने में टाइम लगता है। आधा कल्प से सिर पर पापों का बोझा है। योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है वो निकलती है। तुमको सतो प्रधान बनना है। हम जो पतित बने हैं, याद से ही हम पावन बनते जाएंगे। कितना सहज है। योग को हाईलाइट किया, ज्ञान तो ठीक है, लेकिन ज्ञान का जो धारणा का माध्यम है वो है योग। जितना योग करेंगे उतना ही आत्मा पावन बनेगी। बाबा ने कहा, इस समय बाप आकर सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अशुभ कामनाएं तो माया पूरी करती है। फिर बाबा ने कहा, भारत अविनाशी खंड है और कोई दूसरा धर्म नहीं था। ये तो बाद में इन्होंने निकाले हैं। ये भी ड्रामा की भावी कहेंगे। रक्त की नदियाँ यहाँ ही बहती हैं। एक दो में लड़ते रहते हैं। भल भाई भाई होकर बहुत समय से रहे पड़े हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, अच्छा, बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर भी कहते हैं बाप और वर्से को याद करो। बाप कहते हैं, अगर तुम एक बार मुझ पर बलिहार जाएंगे तो मैं 21 बार तुम पर बलिहार जाऊंगा। ये सौदा तो अच्छा है ना। शिव बाबा तो दाता है। बाबा कहते हैं एक बार तुमको बलिहार जाने, एक बाबा के पास इतना हम बच्चों के लिए अखुट वर्षा है। वो कहते हैं तुम केवल एक बार करो तो तुमको 21 बार, 21 जन्म तुम्हारे सुधर जाए। आज बाबा ने वरदान दिया, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो महान आत्मा कहलाती हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो।
साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है। इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। पर बाबा ने आज मुरली में हम बच्चों को स्लोगन दिया है, स्वयं द्वारा सर्वात्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। देखिए बाबा के हम बच्चे हैं, सुख के सागर के बच्चे हैं, और हम अपन को कहलाते हैं कि हम उनकी संतान हैं, तो हमारा धर्म कर्तव्य क्या हो जाता है? सुख देना। तो अगर सुख नहीं देते तो हमको कौन कहेगा हम शिव बाबा के बच्चे? तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है ज्ञान योग या धारणा से संबंधित, तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।